सो हाई एवरी वन, फिर से एक न्यू वीडियो में आपको स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ, जैसे मैंने यूट्यूब को YT स्टूडियो में यहाँ पे ओपन किया तो मेरे पास कुछ इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जो कि इस तरह से एक नोटिफिकेशन आया है एंड रात को जीमेल भी आया है। जीमेल भी मैं आपको दिखाऊँगा। और मैंने यहाँ पर YT स्टूडियो को जब डेस्कटॉप साइड में खोला यूट्यूब को, तो मेरे पास कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉब्लम कैसे आ रहा है वो मैं सारे तरीका बताऊंगा, और कैसे ये हट सकता है और इससे क्या हम लोग का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो मैं सारे तरीका इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट हुए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको उस जीमेल को दिखा दे रहा हूँ जो कि जिस जीमेल से ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जीमेल में आ जा रहा हूँ एंड मेरे पास एक जीमेल आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मेरा जीमेल आया है यहाँ पर लिखा गया है क्या, योर चैनल इज नॉट अप्रूव्ड फॉर यूट्यूब मोनेटाइजेशन, यानी कि आपका जो भी आपने चैनल मोनेटाइज के लिए भेजे थे, जो आपका चैनल रिजेक्ट हो गया है एंड रीयूज कंटेंट आ गया है। तो मेरे पास अगर हम दोस्तों यहाँ पे दिखा सकते हैं कि अगर हम YT स्टूडियो में जाते हैं तो यहाँ पे भी देखने का वही प्रॉब्लम मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं वही प्रॉब्लम मिल जाता है। तो ये कैसे ये सब हटाना है वो मैं सारे तरीका बता दूंगा। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर अर्न वाले सेशन में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा भी रियूज कंटेंट आ गया है। तो रियूज कंटेंट कैसे आता है और यहाँ पे अपील कैसे करना है ये अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। और यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन के ही यहाँ पर इसको सिर्फ बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि तो दोस्तों ये आया है कहाँ से, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो दोस्तों, आपके चैनल जो भी है डिमोनेटाइज हो गया है एंड रियूज कंटेंट आ गया है। और रियूज कंटेंट कैसे आया है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने किसी को भी वीडियोज को यूज किया है, सिर्फ 6 सेकेंड से ज़्यादा के वीडियो को यूज किए हैं, अगर मान लिया जाए किसी भी एक वीडियो दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपलोड है, अगर उस प्लेटफॉर्म से वीडियो आप उठा करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं तो आपका ज़रूर से आ जाएगा रियूज कंटेंट, आ जाना है। अगर दोस्तों आपने दूसरों को वीडियो यूज नहीं किए हैं फिर भी आपको आ रहा है, तो आपने हो सकता है कि आपने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में गलती किए हैं, जो कि भर के आप लोग टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन को लगा देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा गलती नहीं करना है। और दोस्तों, अगर आपको इसको सुधारना है तो अगर आपने पहली बार मोनेटाइजेशन अप्लाई किए होंगे तो आपको यहाँ पे 30 दिन के एक अथी देगा मोनेटाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा भी 30 दिन के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो अपील यहाँ पे 14 देख कर दिया है। अगर आपने गलती नहीं किया है वीडियो पे, अगर आपको भी इस तरह से दिखाई दे रहा है तो आप लोग को एक अपील वीडियो बनाना है। और अपील वीडियो कैसे बनाना है वो भी मैं आप लोग को इसी वीडियो में बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आपने कुछ भी गलती नहीं की है, अगर आपने दूसरे के वीडियोज को नहीं लिए हैं एंड आप सभी को अपने वॉइस ओवर करके बनाए हैं वीडियोज को, तो दोस्तों आप लोग को मैं आप बता दे रहा हूँ कि वीडियोज आपको कैसे बनाना है। अपने मोबाइल को साइड में रख देना है, कैमरा खोल को फ्रंट कैमरा, एंड वहाँ पे आप लोग को माफ़ी मांगना है कि हेलो यूट्यूब टीम, मैंने कोई भी दूसरे के वीडियोज यूज नहीं किया है एंड दोस्तों मैंने ये सारा कंटेंट मेरा है, और आपका जो भी चैनल का URL होता है, लिंक जो होता है नीचे वीडियो में दिखा देना है, और आपको अपील करना है और अच्छे से मतलब एक बार फिर से रिव्यू करके चेक कीजिए मैंने कोई भी गलती नहीं किया है। तो आप लोग इस तरह के एक वीडियो बनाना है। और हाँ, अगर आप भी अपील करते समय अगर आप यहाँ पे 14 डे के अगर आप अपील करते हैं तो यहाँ पे आपको एक भी वीडियोज को डिलीट नहीं करना होगा, तभी आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर आप अपील करते वक्त एक दो वीडियो भी आप डिलीट कर देते हैं तो आपका यहाँ पे चैनल की धब्बा लगने वाला है एंड 90 डे के फिर से यहाँ पे यूट्यूब का मौका मिल जाएगा कि आपने गलती की है। तो फिर तो आप लोग वीडियो डिलीट किए हैं तभी आप अपील कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग को ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आपने अपील वीडियो बनाना है तो आप लोग को 14 दिन के अंदर में अपील वीडियो बनाना है और आपके चैनल पर एक भी वीडियो को डिलीट नहीं करना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि
आप लोग भी समझ गए होंगे। एंड इसको दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने जो भी वीडियो को डिलीट करेंगे तो उसका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर घट जाएगा यहाँ पे रियूज कंटेंट आने के बाद। तो दोस्तों आप लोग को जो मन में आए उससे करना, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ अगर आपने कुछ भी गलती नहीं की है तो आप लोग को यहाँ पे स्टार्ट अपील पे यहाँ पे आपको क्लिक करके एक वीडियोज को क्रिएट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। एंड आप अगर आपने गलती किया है तो उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। एंड आपको 30 दिन में अगर आप पहली बार मोनेटाइजेशन किए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 अगस्त 2024 को यहाँ पे वीडियो जो है यहाँ पे बनाने का, यहाँ पे मेरा रीअप्लाई करने का दे रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको जरूर से नॉलेज मिला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में भर देना है ताकि अगले वीडियो में सॉल्यूशन लेके आ जाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएँ जय भारत।